सबसे पहले हम केक टिन को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अभी हम इसके अंदर एक चम्मच मैदा की डाल देंगे। यदि आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर का यूज कर लीजिए। इसको हम चारों तरफ फैला लेंगे मैदे को। और अभी अब एक्स्ट्रा मैदा है उसको हम निकाल देंगे। हमारा केक टिन बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले मैंने एक बड़ा बाउल लिया है, इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे। आप ऑयल की जगह पर बटर का भी यूज कर सकते हैं, आप भी किसी भी ऑयल का यूज कर सकते हैं, बस उसमें स्मेल नहीं होनी चाहिए। मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है। आधा कप फ्रेश दही लेंगे। पौना कप मैंने पाउडर शुगर लिया है। तीनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको पाउडर शुगर बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, आप घर पर ही चीनी को ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर लीजिए, आपकी पाउडर शुगर है वो तैयार हो जाएगी। हमें तीनों को अच्छे से मिक्स करना है। जो हमें तेल दिखाई दे रहा है वो तेल दिखना नहीं चाहिए और एक ही डायरेक्शन में हमें इसे फेंटना है। आप देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। मैंने एक स्ट्रेनर लिया है, उसमें हम एक कप मैदा डाल देंगे, एक चम्मच बेकिंग पाउडर और आधी छोटी चम्मच मीठा सोडा, खाने वाला सोडा। एक बार तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी करेंगे मिक्स करेंगे। अभी मैंने 1/3 कप पानी लिया है, धीरे धीरे करके डालेंगे। और इसका एकदम स्मूथ सा बैटर तैयार करेंगे। आप देखिए हमारा बैटर ऐसा होना चाहिए, ऐसा स्मूथ होना चाहिए। और हमारा जो 1/3 पानी लिया था मैंने कप, उसमें से 2 चम्मच पानी की बच गई है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए ऐसी होनी चाहिए। अभी उस बैटर को मैंने 2 भाग में डिवाइड कर लिया है। 3 चम्मच हम कोको पाउडर भी लेंगे। यदि आपके पास फ्रेंड्स कोको पाउडर नहीं है तो आप इसमें कॉफी पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, या आपके पास चॉकलेट है चॉकलेट को मेल्ट करके यूज कर सकते हैं, या चॉकलेट सिरप का भी यूज कर सकते हैं। 3 चम्मच हम कोको पाउडर की लेंगे। 2 चम्मच हम पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अभी कोको पाउडर को मैंने पानी में अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी हम इसको बैटर में डाल देंगे कोको पाउडर को। इसको मिक्स कर लेंगे। आप देखिए हमारे जो दोनों बैटर हैं बिल्कुल तैयार हैं। अभी मैंने केक टिन लिया है, इसके अंदर हम जो व्हाइट वाला बैटर है हमारा वो डालेंगे 1 बड़ा चम्मच, और हमें बिल्कुल सेंटर में डालना है। इसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे कि थोड़ा सा फैल जाए। अभी 1 चम्मच हम चॉकलेट पाउडर इसकी डालेंगे, बैटर की, चॉकलेट बैटर की, और सेंटर में डालेंगे और इसको भी हम थोड़ा सा टैप करेंगे। हर बार टैप करते रहिएगा आप इसकी। अभी हम व्हाइट बैटर डालेंगे। और फ्रेंड्स जो हमारा बैटर है पतला नहीं होना चाहिए, ज्यादा पतला होगा तो जो उसकी लेयर है वो अच्छे से नहीं बनेगी। मैंने सारा बैटर इसमें धीरे धीरे करके डाल दिया है। अभी हम एक टूथपिक लेंगे और अभी हम बाहर से अंदर सेंटर की तरफ ऐसे लाइन खींचेंगे, और हर बार टूथपिक को कपड़े से क्लीन करते रहेंगे। अभी हम इनके बीच में एक एक लाइन और लगाएंगे ऐसे ही। और फ्रेंड्स ये केक बनाने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा केक को।
देखिए आप हमारा ये जो पैटर्न बना है कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी हम इसे बेक करने के लिए रख देते हैं। मैंने एक बड़ा बर्तन लिया था, आप इसकी जगह पर कोई कढ़ाई या कुकर भी ले सकते हैं। और मैंने इसके अंदर एक स्टैंड रख दिया था। आपके पास स्टैंड या रिंग नहीं है तो आप कटोरी को उल्टा करके रख दीजिए। और मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। केक टिन को मैंने इसके अंदर रख दिया है। अभी हम इसको ढककर 35 से 40 मिनट के बाद चेक करेंगे। लो फ्लेम पर हम इसे रखेंगे। 35 मिनट हो गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। एक टूथपिक ली है मैंने, सेंटर में डालेंगे ऐसे। आप देखिए बिल्कुल क्लीन है, मतलब हमारा केक है अच्छे से बेक हो चुका है। और आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है इसका पैटर्न, जैसे हमने बनाया था बेक होने के बाद भी उतना ही सुंदर लग रहा है। और अभी फ्रेंड्स इसे पूरी तरह ठंडा होने देंगे, उसके बाद डिमोल्ड करेंगे। और फ्रेंड्स मुझे 35 मिनट लगे हैं। सबकी फ्लेम और बर्तन होता है वो अलग अलग होता है, तो आपको टाइम है थोड़ा सा कम ज्यादा लग सकता है। ठंडा हो गया है, अभी हम एक प्लेट लेंगे या उसको ऊपर से ऐसे टैप करेंगे। आप देखिए कितना इजीली हमारा केक बाहर आ गया है और कितना सॉफ्ट बना है। और फ्रेंड्स इस केक को बनाना बहुत ही आसान है, आपने देखा, और बहुत टेस्टी भी बनता है खाने में। तो आप इस रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। यदि आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।